हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल डांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं प्राचीन भारत घटना चक्र की, और जिसमें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 से करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है? तृतीय, पंचम, चतुर्थ, षष्टम। तो ये है आपका पाँचवीं पीढ़ी का जो है ये बोधि वृक्ष है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जो पहले था, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेन सांग के अनुसार मूल वृक्ष को सातवीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? सातवीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं ये पाँचवीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है, केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को छूने का अधिकार है एवं उठाने का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म स्थल निरंजन नदी पर स्थित है? बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ऋषिपत्नम। तो यह है आपका बोधगया। बोधगया जो है निरंजना नदी या वर्तमान फल्गु नदी पर स्थित है। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नाम से जाना जाता था। यह दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। उपदेश, बुद्ध की उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी व धार्मिक कर्मकांड, ब्रह्मचर्य, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो यह आपका आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है उपदेश बुद्ध के। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर है 54। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उपाली, महाकश्यप, आनंद। यह है आपका देवदत्त, जो चचेरा भाई था बुद्ध का। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना, मतलब पहला शिष्य बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है किसी को बुद्ध ने नियुक्त नहीं किया था। कुशीनारा के मल्लों के सालवान में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद से कहते हैं, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे सास्ता चले गए हैं, अब हमारा सास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे तुम्हारे ही सास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किस चीज का अंग है? देखते हैं। दीप वंश की विषय वस्तु दिव्यावदान, महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त विषय की विषय वस्तु। तो यह है आपका डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्र में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। यह मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, जिसमें यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग भी से कहते हैं। ये हैं आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ये सभी अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इस तरह से इसके आंसर है, यहाँ पे आपका एक और तीन ऑप्शन होना चाहिए जो नहीं है। इस तरह से हमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन से। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे, वह कर्म में विश्वास रखते थे, वे आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते थे, आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे।
बुद्ध के अनुसार चरित्र या कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में वह विश्वास नहीं रखते थे। इस तरह से आपका 1 और 3 ही सही है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, कुशीनगर। तो यह आपका बी, वैशाली में आनंद के कहने पर दी गई थी महिलाओं को। और पहली महिला कौन थी? तो इनकी जो माता थी धायमा, वही थी महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो यह है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक की रचना किसने की है? तो ये हैं आपके उपाली जी ने की है। और सुत्त पिटक की रचना, विनय पिटक आपके किससे संबंधित है? संघ संबंधी नियम और आचार शिक्षाएँ हैं। सुत्त पिटक की जो है आनंद ने की है रचना, आनंद जिसमें धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक की रचना जो है आपके मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। इनकी रचना अधिधम्म पिटक की, जिसमें है दार्शनिक सिद्धांत की बात की गई है अधिधम्म पिटक में। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपके बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घनिका, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, विभाषा शास्त्र। तो यह आपका विनय पिटक है। विनय पिटक में संघ के जीवन के नियम देखे गए हैं या बताए गए हैं उसमें। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक उपयुक्त में से कोई नहीं। यमक जो है अभिधम्म पिटक में है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है, मतलब प्रश्न और उत्तर, जिसमें एक लोगों ने प्रश्न किया है, दूसरे ने उत्तर दिया है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। ये हैं आपके 7ों ग्रंथ। यमक पट्टान भी है जिसमें। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं, सुत्त पिटक। तो ये आपका है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की? तो आनंद ने की। विनय पिटक की उपाली ने, अभिधम्म पिटक की मोगलीपुत्र तिस्स ने। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। जातक कथा में किससे संबंधित? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। तो यह है आपका बुद्ध धम्म संघ को हम त्रिरत्न कहते हैं। त्रिपिटक हमारे अलग होते हैं, त्रिरत्न अलग होते हैं। त्रिरत्न आपके ये हैं बुद्ध धम्म संघ, और त्रिपिटक हैं आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर है 67 देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो किससे संबंधित है? देखते हैं। संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करने का एक अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो ये है आपका आंसर बी। जब ये लोग वर्षा ऋतु के दौरान कहीं पर ठहरते थे, तो उस टाइम पर जो भी ये बौद्ध भिक्षु अपराध करते थे, तो उसको स्वीकार करते थे। उसको क्या कहा जाता है? पवरन।
क्वेश्चन नंबर है, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु जो थे महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो अशोकाराम विहार का आंसर है आपका बी। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम कहाँ पे? पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बहुसंगति सभा जो थी अशोक के समय ही हुई थी पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली, राजगीर, नालंदा, पटना। तो आपका राजगीर में है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा बोधगया में है जो निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, थाई के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। तो यह है आप जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं जाता, कथा, अष्टाध्यायी। तो ये है आपका ए, ऋग्वेद में जो है स्तूप शब्द मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्वेद, वाजनेयी संहिता, तैत्रेय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है? सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनारा। तो ये है आपका सांची। सांची जो है भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल नहीं है, बाकी सभी हैं। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित, सारनाथ का धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है, कुशीनगर या कुशीनारा जो है बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसको हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। तो भरहुत और सांची की स्थापना किसने की? अशोक के द्वारा की गई है। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से जो है धमेक स्तूप का निर्माण जो है का काल भी अशोक के शासनकाल से ही मिलता है। इसका मतलब है धमेक स्तूप का निर्माण भी अशोक के द्वारा ही करवाया गया है। अमरावती स्तूप का जो है निर्माण 7 वाहन के समय हुआ है। भरहुत, सांची, धमेक स्तूप के निर्माण का क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है किसका है? सांख्य दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, वेदांत का, जैन दर्शन का। तो ये आपके बौद्ध दर्शन से संबंधित है अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। गौतम बुद्ध जब सर्व अनात्मवाद कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया है।
क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र यानी कुछ समय के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है, दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं जो है क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है? तो यह गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है। बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने जो है लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज जाना जाता है? तो ये आपके भगवान बुद्ध हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्ध ने किया था क्षणिकवाद का। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ है। वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त होता है। आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां, तो यह है आपका सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त होता है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों का बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचार्य अवतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है या प्रयत्न कर रहा है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं दान पारमिता, सील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता, ज्ञान प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पे? आधारित है दिव्यावदान, सूत्र पिटक, ललित विस्तार, अभिधम पिटक। तो यह आपका ललित विस्तार पर आधारित है। सर एडविन अर्नाल्ड की जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1879 में लंदन में किया गया है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल देना, देवी देवताओं की पूजा करना, जाति रहित समाज, स्तूप पूजा। तो यह है देवी देवताओं की पूजा करना। बौद्ध धर्म में जो महायान है वो मानते हैं कि मतलब देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, हीनयान मानता है कि नहीं पूजा करनी चाहिए। बौद्ध धर्म के हीनयान महायान समुदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा है। हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानता है जबकि महायान उन्हें देवता के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी। इसके साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी महायान में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्ष। तो ये आपके कनिष्क थे। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में जो है बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कनिष्क जो है महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी कौन थी? तो बुद्ध की थी। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म, आजीविको, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म। तो ये है आपका बौद्ध धर्म। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्धों के द्वारा रखी गई है। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की थी। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? अभय, धर्मचक्र, ध्यान,
भूमि स्पर्श, तो ये आपका धर्मचक्र है। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर अथवा हेलेनिस्टिक कला है। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। हेलेनिस्टिक कला, जिसे हम कहते हैं गांधार कला भी कहते हैं, गांधार कला, यह भारत और यूरोपीय देशों दोनों को मिलाकर जो कला की कही गई वो थी आपकी हेलेनिस्टिक कला। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा में निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्तोत्तर काल, तो ये आपका कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा, गांधार और मथुरा जो है शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्या में मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण किया गया। वी एस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कि सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेन सांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय जो है गांधार कला को देते हैं। निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली, मौर्य शैली, मथुरा शैली, गुप्त शैली, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो इसका आंसर आपने ई माना है आयोग ने। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इसके आंसर है आपका बी। मार्ग के प्रलोभन मार्ग देने के बाद भी बुद्ध ने अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी रखते हुए धरती का आह्वान किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार्ग कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा से संबंधित जो सारनाथ में मूर्ति बनाई गई है वो गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति कला गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान, शांत ध्यान, मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, कुषाण काल से, वर्धन काल से, गुप्त काल से, राजपूत काल से, तो ये आपका है बी, गुप्त काल से संबंधित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कुछ विचार कीजिए। तो परिवारजक जो है आपका किससे संबंधित है? परित्यागी व भ्रमणकारी से। श्रमण जो है इसका संबंध इससे उच्च पद प्राप्त पुजारी से नहीं है। उपासक का जो संबंध है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी करना, मतलब गृहस्थ लोगों के लिए है ये, तो इस तरह से आपके आंसर हो जाएगा बी, एक और तीन तो सही है। परिवारजक जो परित्यागी या भ्रमणकारी को कहते हैं। श्रमण जो है वो भिक्षु या साधु होता था। उपासक जो है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र सिंह, तो यह है आपका डी, पुष्यमित्र सिंह ने जो है बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सिंह ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा लाई उसकी। इस कारण जो है वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी इसे कहा जाता है, पुष्यमित्र संघों का काल जो था।
कौन सा है? सुमेल, देखते कथन और कारण है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, सॉरी व्याख्या नहीं कर रहे हैं लेकिन कथन और सही हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 जनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा या पडरौना तथा कुशीनारा कश्यप मल्ल गणराज की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यानी बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई। कौन सा है जो सही सुमेलित है? देखते हैं, लोथल आपका प्राचीन गोदीवाड़ा है, मतलब डॉकयार्ड है, ये बात सही है। और सारनाथ जो है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, तो ये भी सही है। राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, तो ये जो है आपका ऑप्शन सही नहीं है। नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। राजगीर में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो यहाँ से देखते हैं, सैंधुपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी महात्मा बुद्ध के अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया है। नालंदा बौद्ध अधिगम जो है वो एक महान पीठ या विद्यालय था जिसका निर्माण जो है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ जो है शीर्ष जो है राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि, मैत्रेय। तो यह है आपका सी, पद्मपाणि जो है अवलोकितेश्वर को क्या कहते हैं? पद्मपाणि भी कहते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म प्रभाव का भी परिलक्षित यानी दिखाई देता है। और अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का एक नाम है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महायान सांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है आपका 2 और 3 जो है सही हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थीवर या थेरावादी कहलाया। स्थीवरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित? हीनयान शाखा से। इसका नेतृत्व जो है महाकच्छायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले का संप्रदाय क्या था? महासंगिक कहलाया, जिसका नेतृत्व जो है महाकश्यप ने किया। तो महासंगिक का नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय जो है 18 निकायों में से एक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, लोकेश्वर, पद्मपाणि। तो ये हैं आपके मैत्रेय। मैत्रेय को जो है भविष्य का बुद्ध कहा गया है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय जो है संस्कृत है। मैत्रेय संस्कृत शब्द है। मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मची रहेगी, मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखाई देगा, तब आएंगे आपके मैत्रेय जी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है? बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए
स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है? तो इसका आंसर है आपका बी, 1 और 2 सही है, मतलब 2 और 3 सही हैं, फर्स्ट आपका सही नहीं है क्योंकि वो महायान से संबंधित है, हीनयान से नहीं। देखते हैं यहाँ पे, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रभुत्व या शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधि जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व माना गया है। 10 पारमिताओं को पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध का मानना है कि बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत करना। बौद्ध के अनुसार जो है 4 अर्थ दिए हैं बुद्ध ने, दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता में है, बाघ में है, बादामी में है, एलोरा गुफा में है। तो ये आपके अजंता गुफा में चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के जो है अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पदमपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट का पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ पर कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प का पकड़े हुए दर्शाया गया है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र, कार्ले गुफा है वहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पूरे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, कन्हेरी, एलोरा और कार्ले। तो ये आपका कन्हेरी गुफा में जो है 11 सिरों वाले बुद्ध मिलते हैं। सालसेती द्वीप, जिसे हम सालसेट द्वीप कहते हैं, जिसपे आपका मुंबई स्थित है, में कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद कर सकते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण किया गया है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही है। गुफा संख्या 41, पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था, में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। तो किसके 4 सिर, 4 भुजाएं और 11 मुख है? तो अवलोकितेश्वर का। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना जो है चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। 1वीं शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, वस्तुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। तो ये आपके नागार्जुन हैं जिनको 1वीं शताब्दी ईस्वी में जो है बौद्ध भिक्षु के रूप में चीन भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थी। उसने अपनी पुस्तक जो है माध्यमिक कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ये आपके नागार्जुन है। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक आपके नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है।
नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? स्वतांत्रिक, माध्यमिक, वैसाभिक, वैभाषिक, योगाचार्य। तो ये हैं आपके माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला, गिरनार, वाराणसी या उज्जैन। तो ये आपका विक्रमशिला है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के तीन प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी जो आपका गुजरात में है, विक्रमशिला। नालंदा विहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 किलोमीटर दूर, 40 मील दूर पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है नालंदा। वल्लभी जो है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला बिहार। विक्रमशिला जो है बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए। वाराणसी हिंदू संस्कृत एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था यह। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय उज्जैन अवंती की राजधानी थी। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये आपके गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग क्या है? तो ये आपके पाल गुप्तों ने किया था, कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा एक विख्यात बौद्ध मठ एवं विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो ये आपके कुमार गुप्त प्रथम है। वेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। शक्रादित्य की पहचान जो है कुमार गुप्त प्रथम से की गई है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि है महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। बारहवीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो सही आंसर का चयन करना है, इसका आंसर है आपका ए। एक और दो दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया। नालंदा उपेक्षित होने लगा और 12वीं शताब्दी तक जो है क्रमिक रूप से इसका पतन हो गया। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। तो किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव दिखा। वह नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये आपके पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नव नालंदा विहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यह बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से जो है पाली एवं बौद्ध अध्ययन के अनुसंधान किया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से समान रूप में विद्यमान है? तपे और भोग की अति का परिहार, देव प्राण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका बी। 2 और 3, 4 आपके सही हैं, फर्स्ट नहीं सही है। तप या आत्मदमन, भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। बल्कि वेदों की प्रमाणीयता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध जो है दोनों धर्मों में किया गया है, जैन और बौद्ध दोनों में।
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो ये आपका बी आंसर है, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, आत्मदमन, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो ये आपका आत्मदमन है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, सही क्रम में उनको देखना है। दुख है, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, सबसे पहले दुख है, फिर उसका कारण क्या है, फिर उसके निरोध क्या है दुख के, फिर निरोध के मार्ग देखने हैं हमें कि अष्टांगिक मार्ग फिर अपनाना है। संबोधि को गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ, इस कार्यकरण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था वे इस प्रकार है, दुख है, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है, दुख समुदाय है, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का कारण भी है, दुख निरोध है तो दुख का अंत संभव है, दुख निरोध गामनी प्रतीत पदा, तो दुख के मूल अविद्या, मूल जो कारण है वो अविद्या के नाश का उपाय जो है अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म में ही विश्वास करते थे, किसमें करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत तो सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, जीवन में मध्यम मार्ग का सर्वश्रेष्ठ है। तो यह है आपका आंसर ए, बौद्ध और जैन दोनों ही जिसमें विश्वास करते थे वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे, इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों और वेद की अपौरुषता का समान रूप से विरोध किया कि मतलब वेद जो है ईश्वर द्वारा रचित नहीं है। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने ही बल दिया तथा दोनों ने ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसका आंसर है आपका डी, 1 तो गलत है क्योंकि पुनर्जन्म होता है बुद्धों के अनुसार, आत्मा की सत्ता नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है, ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है, किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। तो इसके आंसर है आपका 1, 2, 3, तीनों ही कथन आपके सही हैं। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित नहीं है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसका आंसर है आपका सी, 1, 2, 3, 4 सही है आपके, 5वां जो है नहीं सही है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के लिए प्रमुख कारणों में सम्मिलित है, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से शुरू हुआ था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया।
गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया। इसके आंसर है आप केवल एक सही है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय या फिनोमिना के अवयव पूर्णता क्षणिक नहीं है अभी तो अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा जो है सही है, पहला सही नहीं है। देखते हैं, स्वतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है अभी तो बौद्ध मत के संप्रदाय हैं ये दोनों। सर्वास्तिवाद में तीन शब्द सर्वम, अस्तिवाद सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तिथि बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों को अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया वे संगति को छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवाद कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित की गई थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है चुने। विहार पूजा स्थल था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था। चैत्य जो है पूजा स्थल था जबकि विहार निवास स्थान था। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं था। चैत्य एवं विहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते थे। तो इसका आंसर है बी, चैत्य जो था वो पूजा स्थल था और विहार आपका निवास स्थल था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चीता संबंधी। सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए, पूजा गृह बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें हम विहार कहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य जो थे आपके पूजा स्थल थे और विहार आपके निवास स्थल थे। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान। तो यह है आपका वज्रयान। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत जो है मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैन धर्म। अब इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।